अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक है। आज आपके साथ हम लोग कोई जॉब नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस मेरा और शेफ भाई का एक साल का एक्सपीरियंस शेयर करने लगे हैं। थोड़ी सी आज वीडियो सैड भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके उतनी डिटेल से आपको बता सके कि हमारा कतर में एक साल का जो एक्सपीरियंस था, जो डिटेल्स वगैरह जितनी भी थी आपको बता सके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले शेफ साहब क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी डेली जॉब्स अपडेट और कतर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी यूरोप की जॉब, इधर उधर की जॉब की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कब हम लोग आए थे। तो जी, मैं आया था 18 दिसंबर 2021 को। शेफ भाई, आप कब आए थे? 13 नवंबर 2021। 13 नवंबर, यानी कि मेरे को एक साल पूरा हो गया और शेफ भाई को एक साल एक महीना हो गया। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि शेफ भाई, हमने क्या पाया कतर में आके। तो सबसे पहले गाइस, हमने कतर में जो आके पाया ना, वो एक रिस्पेक्ट पाई। रिस्पेक्ट ऐसे कि मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने मुल्क की या एक्स वाई जेड कुछ भी, ऐसा मैं कोई भी नेगेटिव आपको वो नहीं दे रहा, लेकिन एक रिस्पेक्ट। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की इतनी इज्जत है ना कि आप मत पूछें कि आप सिक्योरिटी गार्ड को कितनी इज्जत दी जाती है और उसकी कितनी बात सुनी जाती है, ये मैं आपसे शेयर करने। तो इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, तो ये हमने सबसे पहले पाया। दूसरी चीज़ कि गाइस, पाकिस्तान में जो मैंने पहले भी डिस्कस किया अपनी और भी वीडियो में, लेकिन इसमें फिर आपसे एक दफ़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की, आप खुद बताएं, मैक्सिमम 18,000 से 20,000 होती है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरी सैलरी बनती है वो 1,08,000 बनती है, और शेफ भाई की भी, हम दोनों की सेम है, लेकिन शेफ भाई की 1,10,000 के करीब बन जाती है। तो ये हमने कतर में आके पाया। अब हमने खोया क्या? अब हमने खोया यार, शेफ भाई थोड़ा सा आप भी डिटेल से बात करें कि हमने खोया क्या। खोया यार अपनों का साथ, खोया दोस्ती यारी, शुगल मेला, फैमिली को। कभी कभी ना बंदा अकेला होता है ना, जिस टाइम पे कभी, जैसे कोई दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, जिससे कोई बातचीत करनी होती है। यहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी, ठीक है, 2 घंटे ट्रैवलिंग, उसके अलावा खाना पकाना, वॉशिंग करना, कपड़े धोना और भी बहुत सारी चीज़ों में ना बंदा इतना मसरूफ़ हो जाता है ना कि अपने दिल की बात किससे कर सके। तो बंदा अकेला जब बैठता है ना, जब अपना अपनी लोकेशन पर, अपने ऑफिस में अकेला होता है, उस वक्त फैमिली की इतनी याद आती कि एक दो दफ़ा तो मैं खुद भी रोया हूँ। आपको सीरियस बता रहा हूँ, मैं एक दफ़ा खुद भी रोया हूँ, लेकिन अपने आप को हिम्मत दी। शेफ भाई से के साथ थोड़ा घूमते फिरते रहते, तो शेफ भाई के साथ भी मतलब टाइम अच्छा गुजर रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, लेकिन बहुत मिस किया जाता है यार फैमिली को। बहुत मुश्किल है यार, मैं कैसे आपको मैं इजहार करूँ, अभी मेरी आँखों में आंसू आ जाएंगे वरना मैं आपसे डिटेल से बात करता, लेकिन बहुत मिस करता हूँ यार अपनी फैमिली को। यहाँ पर एक साल हो गया है, अपनी बेटी को मिस करता हूँ, घर वालों को मिस करता हूँ, वालदा को मिस करता हूँ। तो शेफ भाई, थोड़ी सी आप भी बताएं कि आप किस किस को मिस करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब मतलब आपको घर की याद आती है। तो अगर कोई ऐसी इवेंट हो, ईद वगैरह होगी, उस वक्त बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर जब आपका कोई अपना आपसे चला जाए, दुनिया छोड़ चला जाए, मैं तो, मुझे अभी 3 माह हुए थे मेरी फूफू की डेथ हो गई थी, उस वक्त बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन क्या करें यार, परदेश से संभालना पड़ता है, हमारी कंट्रीज इतनी सपोर्टेबल और नहीं है कि हाँ कि हम वहाँ पर ऐसा जॉब कर सकें या हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिले, या पर फैसिलिटीज़ देखी जाए, सैलरी देखी जाए, तो उस लिहाज से सब कुछ अच्छा है। अब तीसरी बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान में बनाया क्या। तो यार माशाल्लाह, एक बात बोलूँ कि ना, आपकी अगर आपके पीछे, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं, अगर आपके पीछे कोई हो बचाने वाला, शेफ भाई जैसे कोई एक भाई या कोई एक फैमिली मेंबर या कोई आपकी वालदा, कि उस पैसे को सेव करे, तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन उसके साथ अपने घर वालों की छोटी छोटी खुशियां पूरी करता रहे करें, क्योंकि आप उन्हीं के लिए यहाँ पर आए, आप उन्हीं के लिए यहाँ पर आएँ, तो अपने घर वालों की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करते रहा करें, ईद के गिफ्ट्स वगैरह ये वो, क्योंकि यार जब इंसान बाहर आता है, कोई भाई मतलब कोई भी बेटा या एक्स वाई जेड, जिनके भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी रिश्ते लगते हैं कि हाँ मामू, भांजा, भतीजा, वो उनका ना बड़ा ख्वाहिश होती है कि हमारा मामू बाहर गया हुआ है, हमारा चाचू बाहर गया हुआ है, या मेरा बेटा बाहर है, या मेरा भाई बाहर है, या मेरा हस्बैंड बाहर है,
या मेरे वालिद साहब बाहर हैं, तो वो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की, तो कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली की बात सुना करें, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। हकीकत बात है, मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ कि मैं कतर के सुबह 3:30 बजे उठता हूँ। जब मॉर्निंग में था, कतर के सुबह 3:30 बजे उठता था, फ्रेश वगैरह होता था, नमाज़ पढ़ता था, 4:30 पे हमारी व्हीकल निकल जाती थी, यानी कि सुबह 4 बजे अंधेरा होता था। हम लोग सूरज में जाते थे और अंधेरे में जाते थे और अंधेरे में आते थे, बिल्कुल भी ऐसा कोई मतलब कि एक साल तक तो हम लोग का कोई निज़ाम या ड्यूटीज़ वगैरह पता ही नहीं चली कि क्या निज़ाम किताब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जैन कुल्लुमिया जैन कुल्लुमिया मियाँ, तो बिल्कुल पता नहीं चला यार। आपको मैं किसी दिन अपनी मॉर्निंग ड्यूटी की एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पर पैसे कैसे कमा रहे हैं। चौथा टॉपिक जो हकीकत ऐसा है कि यार कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त यार, कुछ जो करीबी होते हैं वो शेर भाई क्या समझते हैं कि ये बाहर आ गया तो समझो क्या हो गया, वह गरूर में आ गए, रब्ता वगैरह नहीं करता, बहुत पैसे कमाने लग गए, लेकिन उनको ऐसा नहीं पता कि टाइम ही नहीं मिलता फिर मुझे रब्ता करने का। वो लोकेशन अच्छी हो, मोबाइल बंदा यूज़ कर लेता है, नहीं तो इधर रूम में आ गए तो बंदा ऐसा होता है कि बिल्कुल थका हो गया। आप खुद बताएं कि यार एक इंसान 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, अपने डिशेस वॉश कर रहा है, अपने कपड़े वॉश कर रहा है, तो अब उसके पास क्या टाइम होगा। और कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त यार, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसा सोचते हैं कि यार बस ये बाहर गया तो बस अब तो समझो पैसों की बाहर हो रही है। यार उनको हम बताएं कि पैसे इतनी आसानी से नहीं, 15 घंटे ड्यूटी करके उसका अपना नींद चैन अपनी टाइमिंग बना के फिर ये सब कुछ हासिल होता है, वरना इतनी जल्दी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो उम्मीद होगी कि मेरे गाइस, मेरे व्यूवर्स को, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है उनको मेरी ये बात पसंद आई होगी, शेब भाई की बात पसंद आई होगी, उन तक ये मैसेज पहुंचा होगा और उन तक भी पहुंचा होगा जो ये वालदैन, जो बहन भाई, जो रिश्तेदार देख रहे हैं वीडियो के, हाँ यार हम आपसे दूर नहीं हुए, बिल्कुल टाइम कि आपको बताया ना कि 12 घंटे ड्यूटी होती है, 2 घंटे मतलब नहीं टाइम मिल पाता, कोशिश होती है कि हाँ भाई सबसे कॉन्टेक्ट रख सकें, सबसे बातचीत कर सकें, लेकिन इंसान ड्यूटी पे कुछ लोकेशन पे तो मोबाइल को समझो कि एक जगह पे दे दिया जाता है, आपसे मोबाइल जमा कर लिया जाता है, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आपसे मोबाइल लिया जाता है, कोई इमरजेंसी के टाइम पे या को ओपन होता है, लेकिन आपसे मतलब उस टाइम पे मोबाइल चलाया नहीं जाता। तो उम्मीद होगी कि शेब भाई सबको वीडियो समझ आई होगी, सबको मेरा मैसेज समझ आया होगा, सबको हमारा कतर का एक्सपीरियंस जो एक साल में हमने खोया पाया, जो पाकिस्तान में बनाया, जो भी हमने बात की, उम्मीद होगी कि हमारे व्यूवर्स को वीडियो पसंद आई। उसके अलावा शेब भाई अगर आपने कोई डिटेल, आपने कोई दिल की बात करनी हो व्यूवर्स से तो बोल सकते हैं, वरना उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। यही बात है। चलें गाइस, उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।